तो आज हम बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकले थे वॉक करने के लिए, लेकिन सोचा कि थोड़ी शॉपिंग भी कर लेंगे। और यहाँ पे आते ही तरबूज की रेडी देखी और दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना आज रेड फूड चैलेंज किया जाए। तो चलते हैं फिर रेड फूड चैलेंज के लिए, पहले थोड़ी शॉपिंग करते हैं फिर दिखाते हैं आपको कि क्या क्या हमने लिया। तो हमें यहाँ पे मिल गए केले, अब ये केले भी ले रहे हैं हम। ये हमने ले लिए वाटरमेलन इतने बड़े बड़े, और फिर आगे चलते हैं कीवी, एप्पल, चुकंदर भी मिल गया हमें, जामुन। चैनल डिंपल्स किचन, तो डिंपल्स किचन में आपका स्वागत है। बहुत सारा फ्रूट लेके हम आ गए हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि हमने ये स्वान खरीद लिया। ये आपको मैं दिखा देती हूँ, केले, कीवी, एप्पल, चुकंदर, जामुन, मस्क मेलन और वाटरमेलन। बहुत सारा फ्रूट हम खरीद के लेके आए हैं, लेकिन चेरी हमें नहीं मिली तो हमने केन वाली चेरी ले ली। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम करने वाले हैं रेड फूड चैलेंज, लेकिन हम खाना नहीं बनाने वाले। आज हम वाटरमेलन के साथ दो तीन डिशेस बनाएंगे, तो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। वीडियो को एंड तक देखना और मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही यूनिक, बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही अलग अलग रेसिपीज दिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट आपको दिखाती हूँ कि सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट में क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ रेड वेलवेट केक स्मूदी, और साथ में हम बनाएंगे मफिन्स। तो जल्दी से दिखाती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स। रेड वेलवेट केक स्मूदी बनाने के लिए मैंने लिया एक पीस बीटरूट, दो केले, कोकोआ पाउडर, एक कप दूध, शहद, 4 से 5 पीस मैंने खजूर के लिए। जो हमने ये चुकंदर लिए इसको छील के, इसको धो के पीसेस काट के इसको हम फ्रीजर में रख देंगे फ्रीज होने के लिए। इसको आप चाहो तो ऐसे भी यूज कर सकते हो, और इसको चाहो तो आप स्टीम भी कर सकते हो। केले भी काट लेंगे और इसको हम फ्रीजर में रख देंगे। अब केले और चुकंदर दोनों को हम फ्रीजर में रख देते हैं जब तक कि ये फ्रीज ना हो जाए, फिर हम इसकी स्मूदी बनाएं। तो ये बहुत अच्छे से जम चुके हैं केले भी और चुकंदर भी। केले और चुकंदर मैंने मिक्सी में डाल दिया, अब इसको हम बीट कर लेते हैं। केला और बीटरूट हमने इसमें बीट कर लिया, अब इसमें हम डालते हैं खजूर, बीज निकाल देंगे जो इसमें सीड्स होते हैं, इन्हें डाल दिया इसमें। साथ में डाल देते हैं दूध, शहद 2 चम्मच, क्योंकि हम चीनी भी डाल रहे हैं इसमें। बहुत ही हेल्दी स्मूदी बना रहे हैं हम, आज का चैलेंज ही हमारा बिल्कुल हेल्दी फूड। साथ में डालेंगे 1 चम्मच कोकोआ पाउडर, अब इनको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देख लीजिए बिल्कुल परफेक्ट कलर है ना रेड। अब इसको हम ग्लास में पोर कर देते हैं। ग्लास में हमने पोर कर दी, आ गया ना परफेक्ट रेड कलर। अब इसकी हम टॉपिंग करेंगे व्हिप्ड क्रीम से, तो पहले हम इसको व्हिप कर लेते हैं। क्रीम हमारी व्हिप्ड हो गई है, इसमें मैं कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ थोड़ा सा, तो वो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1 चम्मच कोकोनट पाउडर डालना है मैंने इसमें, और इसको फिर से हम व्हिप कर लेते हैं। अब 1-1 चम्मच हम इसके ऊपर डाल देते हैं। अब इसके ऊपर ना थोड़ा सा कोका पाउडर डस्ट कर देते हैं। अब इसको हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये एकदम चिल्ड हो जाए, क्योंकि स्मूदी तो चिल्ड अच्छी लगकर आ गया। अब इसको हम माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए रखेंगे, और ये 2 मिनट में बन जाएंगे, क्योंकि हम मफिन्स बना रहे हैं इसलिए हम माइक्रोवेव में बना रहे हैं। अगर आप इसको जैसे क्रिसमस का केक होता है वो बनाना चाहो, एकदम जो करारा बना होता है, तो आप इसको
35 टू 40 मिनट्स आप इसको ओटीजी में कन्वेंशन जो होता है उसमें रख के बेक कर सकते हैं। तो हम मफिन बना रहे हैं इसलिए हम इसको माइक्रोवेव में बना रहे हैं और ये 2 मिनट में बन जाएगा। दो मिनट हो गए, माइक्रोवेव हमारा बंद हो गया, खोल के देख लेते हैं। पहले इसमें देखते हैं बन गए, फोर्क डाल के देखते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बन गए। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम रेड कलर भी, इसमें वाटरमेलन के चंक्स भी दिखाई दे रहे हैं। अब इसको हम 2 मिनट के लिए रख देते हैं ठंडा होने के लिए, उसके बाद हम डीमोल्ड करेंगे। थोड़ी सी डिपिंग क्रीम बना लेते हैं, ये वाटरमेलन का जूस डाल रही हूँ इसमें, दूध नहीं डाल रहे, बैग में भर के थोड़ा सा इसको हम डेकोरेट कर लेते हैं। अब मफिन हमारे रेडी हो गए, अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी टॉपिंग कर रही हूँ। ये चेरी की टॉपिंग कर देते हैं इस पे, ये थोड़ा सा स्प्रिंकल्स कर देते हैं। ये चीजें बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये होगी हमारी रेड वेलवेट केक स्मूदी और वाटरमेलन मफिन। हाय गाइस, ओह माय गॉड, ये क्या क्या बनाया मम्मी, एक्सप्लेन करना चाहोगे? मम्मी को बोला था कि मम्मी रेड फूड चैलेंज कर रहे हो तो लाल रोटी मत बना लेना, वो पिछली बार कौन से चैनल में काली सब्जियां, व्हाइट फूड में व्हाइट रोटी, तो कहते हमने रेड रोटी खाई, सबर कर लो। हेल्दी फूड बना रहा था मम्मी ने, तो मम्मी ने हेल्दी फूड बनाया। वाह मम्मी, क्या है ये? है वाटरमेलन मफिन और ये स्मूदी। व्हाइट व्हाइट क्या है? ये है कोकोनट व्हिप क्रीम। वाटरमेलन, ये बेस्ट चीज है, वाटरमेलन के। हाँ, वाटरमेलन मफिन ये बेस्ट चीज है, यम। अबे ये वाटरमेलन का मफिन कैसा है, टेस्टी। नाम से तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, नाम से नहीं, शकल देखो ना, शकल मत देखो, खाने का टेस्ट देखो। अगर पर वाटरमेलन का मफिन कैसे बनता है? हाँ तो वाटरमेलन का बनाया, वाटरमेलन का टेस्ट लग, वीडियो देखना, वाटरमेलन का टेस्ट लग नहीं रहा ना, प्रॉपर मफिन लग रहा है। अगर ध्यान से ऐसे मैं पूरे वो तो बीच में चंक्स आ रहे हैं ना, एक एक फ्लेवर को एनालाइज करूं, मैं मास्टर शेफ नहीं हूं। ये तो अच्छा लग गया। तो सब लोग तो वो ईटिंग 24 आवर्स, मैंने भी करा है, ऐसे मत बोलो। वो तो प्रेमना ने भी करा है, तूने भी करा है, बहुत सारे करते हैं। मैंने तो कुकिंग चैनल है मेरा, तो मैं तो कुक ही करूंगी ना। आई थिंक मम्मी ये पहला फूड चैलेंज है आपका, ये वैसे पिछले वाले भी अच्छे थे पर ये तो अलग ही है, एपिक एपिक। ये हेल्दी है ना, हेल्दी के साथ साथ नेक्स्ट लेवल यम्मी है। चलो मिलेंगे अब लंच में, बाय। और जी, हाँ जी, आज की बनाया लंच च? आप बता दो, मैंने बता दिया कि रेड फूड है, आप बता दो आपने क्या खाना है। मेरा तो यार मूड कर रहा पिज्जा पिज्जा खाने का। पिज्जा? रेड पिज्जा, रेड पिज्जा, रेड पिज्जा बन जाएगा? आज रेड फूड है तो फिर रेड पिज्जा भी बन जाएगा। यस, तो चलो रेड पिज्जा बनाते हैं, रेड पिज्जा और खाते हैं, क्यों? अभिषेक और निश्चय तो अपना काम गए हुए हैं, तो हम दोनों ही हैं, हम दोनों बनाते हैं रेड पिज्जा और खाते हैं फिर। खिलाओ खिलाओ, बनाओ एंड खिलाओ। तो अब लंच में मैं बना रही हूँ वाटरमेलन पिज्जा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आर यू एक्साइटेड? है ना, कभी सुना आपने वाटरमेलन पिज्जा? मैं आपको दिखाती हूँ। तो वाटरमेलन पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक गोल पीस काट लेंगे वाटरमेलन का,
इसको राउंड काटना सबसे बड़ा टास्क है। ये हमने राउंड शेप काट ली इसकी, अब इसमें से हम सीड्स निकालेंगे पहले, क्योंकि अगर सीड्स मुंह में आएंगे तो मजा ही नहीं आएगा खाने का। तो सारे सीड्स हम निकाल लेते हैं, चाकू की हेल्प से निकल जाएंगे क्योंकि दिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक। हमने पूरे सीड्स इसके निकाल लिए, अब इस पे हम, ये मेरे पास दही है, इसको मैंने हंकड़ करा था, आधा किलो दही रात को एक कपड़े में डाल के टैप के साथ टांग दिया और ये बिल्कुल हंकड़ हो गया, बिल्कुल पानी नहीं है इसमें। अब ये हम इस पे स्प्रेड करेंगे, क्योंकि ये बहुत थिक हो गया तो स्पून से हम थोड़ा सा इसको मल लेते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया और इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देते हैं। थोड़ी सी थिक लेयर रखेंगे, हमने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। अब इसके ऊपर हम पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, काली मिर्च। अब इसके ऊपर हम फ्रूट्स लगाएंगे, थोड़ा मैंगो। आज हम बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड बना रहे हैं, और साथ में लगा लेंगे जामुन। दैट्स इट, इसके हम पीसेस काट लेते हैं। ये हो गया हमारा वाटरमेलन पिज्जा। आपने क्या सोचा कि कोई चीज पिज्जा बन रहा है, ये कोई बेक होके बन रहा है? तो ये हो गया हमारा वाटरमेलन पिज्जा रेडी। बन गया? और क्या, ये देखो मैंने बनाया है वाटरमेलन पिज्जा। रेड पिज्जा ही चाहिए था तो वाटरमेलन तो रेड ही होता है। वो ये है रेड पिज्जा। इट्स डिफरेंट एंड वेरी नाइस रियली, और हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसमें कुछ नहीं डाला, दही है। आपको पता है बहुत अच्छे, तो आप खाओ एंजॉय करो। ओके थैंक यू। तो लंच हो गया हमारा, अब हम बनाएंगे डिनर, तो देखते हैं फिर डिनर में क्या बनाते हैं। और यहाँ पे बैठा है निश्चय और अभिषेक, इसका नया कैमरा आया है, कितना बिजी है ये। अरे वो सेटिंग चेक कर रहा था उसकी, तो मेरा नया कैमरा आ गया। इतनी खुशी मुझे। और ये तो हर टाइम फोन में ही लगा रहता है जब देखो। यस थैंक यू। अच्छा मेरे को ये बताओ अब डिनर में क्या खाओगे? रेड फूड है तो रेड फूड ही खाएंगे। नहीं रेड फूड तो है लेकिन कुछ बता दो, जैसे तुम्हें अच्छा लगता है कुछ हेल्दी क्या खाना पसंद करोगे? रेड केक यस। ओके रेड केक में तो रेड वेलवेट ही बन सकता है, और क्या बन सकता है? नहीं हम कुछ और भी बना सकते हैं। हेल्दी आई एम ऑन डाइट। हां श्योर ठीक है। ओके बाय। ओके तो अब तक कैसा लगा आपको मेरा चैलेंज ब्रेकफास्ट और लंच? आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और अब हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेम्प्टिंग, बहुत ही मजेदार और बहुत ही जल्दी बनने वाला वाटरमेलन केक। ये भी नहीं आपने सुना होगा आई एम श्योर। तो जल्दी से बनाते हैं इसको और फिर फटाफट खा लेते हैं क्योंकि बहुत ही टेम्प्टिंग बनने वाला है। तो ये वाटरमेलन मैंने काट लिया है, ये देखो दो स्टेप्स में काटा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सीड। कैसा लगा आपको? ये हो गया हमारा वाटरमेलन केक रेडी। ओहो फाइनली अब डिनर में आ गए हैं। ये तो डेजर्ट है होगी, मतलब ये भी वाटरमेलन केक है। इस चीज को देख के वो थंबनेल में मम्मा फेस दे सकते हैं रिएक्शन। अब इसको ऊपर करें अभिषेक। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये डिम्पल्स किचन का आज 3 लाख सब्सक्राइबर भी हो गए। 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए, 3 लाख सब्सक्राइबर की खुशी में ये क्या चीज बना डाली है, ये तो अलग ही चीज बना दिया है। ठीक है ये नीचे जामुन भी लगाए हुए हैं। वाटरमेलन केक है ना ये। वाओ वाओ बाप रे,
मैंगो वाटरमेलन कीवी जामुन एप्पल ये लो उठाओ ये क्या है ये सबसे ऊपर क्या लगा हुआ ये मस्क मेलन ये लो उठाओ देख रहे हो ना बीच में व्हाइट और रेड पूरी लेयर आ रही है वैसे मैं बता दूं मम्मी कि मुझे वाटरमेलन बिल्कुल नहीं पसंद मैं नहीं खाता वाटरमेलन बट ये केक बहुत यम्मी है फिर भी मैं भाग में बड़ा रश के मैं सब खा लूं वो है मैं अरे मजा आ गया मम्मी पकड़ लो एक बार यार बहुत भारी है क्या कितने किलो का है ये पता नहीं कितने किलो का है मैं बता दूं 35 kg है प्लेट ही बहुत भारी है हाँ ये ट्रे ही बहुत मतलब ये चीज जो मैंने पकड़ी हुई है ये एटलीस्ट 5 to 6 ये बेस्ट रेड फूड चैलेंज है ये बेस्ट फूड चैलेंज है आज तक का तो अगर आपको मेरा रेड फूड चैलेंज अच्छा लगे तो फिर आपने क्या करना है लाइक करना है लाइक करना है और 3 lakh सब्सक्राइबर्स हो गए कांग्रेचुलेशन मिलियन लेके जाना है तो फिर सब्सक्राइब भी करो चैनल को ताकि और ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े और फिर हम और अच्छा अच्छा फूड बनाएं अब तो मम्मी ब्लॉगर भी बन गई है तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग